और अब समाचार विस्तार से। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष स्वर्गीय बाबूराम चांदा की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पहली बार सपा बसपा संयुक्त सभा को भी संबोधित किया। केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया, साथ ही मोदी और योगी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सपा द्वारा बसपा के साथ किए गए गठबंधन पर भी पहली बार मुलायम सिंह बोले। मैनपुरी की विधानसभा किशनी के गांव चांदा में सपा के साथ बसपा नेताओं का भी जमावड़ा लगने लगा था। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बाबूराम चांदा ने कभी दिखावा नहीं किया, वे अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे। साथ ही वे सपा और बसपा के गठबंधन पर भी बोलना नहीं भूले। कहा कि ये कोशिश बहुत अच्छी है, अगर दोनों एक हो जाए तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वहीं इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज महंगाई और भ्रष्टाचार जबरदस्त है, किसान और व्यापारी आज दोनों दुखी हैं। इस दौरान उन्होंने और किस अंदाज में केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर वार किया वो भी जरा सुनिए। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उनके के में अपनी राजनीति करना चाहते हैं। एक आसवाज राणा चुनाव हो रहा। अच्छा आप ये बताओ, आपका तो गठबंधन नहीं हुआ था सपा और बसपा का, लेकिन अखिलेश और मायावती का अब हो गया है, इसमें आपकी क्या राय है? अब वो जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें पूछ रहा जी। अच्छा आरक्षण के मामले में जो गतिरोध, ये दोनों तरफ से 2019 में कांग्रेस आएगी साथ में? हमें तो विश्वास के दोनों तरफ से नेता एक कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस के साथ थोड़ा सा बात सभा को चल जाए जी, सफल हो जाएंगे। सफल हो जाएंगे, आपका आशीर्वाद है। हाँ मेरा आशीर्वाद।